हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ धोती सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने व्हाइट फैब्रिक ले लिया है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है, इस तरह से व्हाइट कलर का क्रेप फैब्रिक मैंने लिया है। तो आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, ज़्यादातर आप इसमें जो भी लटकना सा फैब्रिक है वही यूज़ करें। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से ओपन करके बिछा लिया है डबल फोल्ड करके। तो हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है, ढाई मीटर। तो आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, लेंथ आ रही है 57 इंचज़ पे। और इसके बाद यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो इससे ज़्यादा रहने वाली है। तो विड्थ आएगी हमारी पूरी यहाँ पे 60 इंचज़ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फैब्रिक की विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो आप भी कोशिश करें ज़्यादा विड्थ वाला फैब्रिक इसमें यूज़ करें, तभी आपकी जो धोती सलवार है वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही घेर वाली बनकर रेडी होगी। अब इसके बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ जो है वो हमारी यहाँ तक के देख सकते हैं आप, यहाँ तक के हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक ही आ रही है 55 इंचज़ पे। और इधर से हमारी इसकी लेंथ आ रही है इस तरह से 57 इंचज़ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 57 इंचज़ ये हमारी ऊपर वाली साइड रहने वाली है। और जहाँ से मैं ये मोरी को नाप लूँगी यहाँ से हमारी नीचे वाली साइड रहने वाली है। तो मोरी को मार्क कर लूँगी 7 इंच। तो इसमें 1 इंच मैंने मार्जिन का ऐड कर दिया है, 6 इंच या फिर हमारी 5.5 इंच मोरी रहने वाली है इस तरह से। तो मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर दी है नीचे से मोरी को, जितनी भी हमें इसकी मोरी चाहिए थी ओपन उतना ही मार्क करते हुए। सो यहाँ पे इसकी रेडी लेंथ रहने वाली है हमारी 38 इंचज़ पे। तो 5 इंच हमारा बेल्ट का इसमें ऐड होगा, तो मैं इसको मार्क कर लूँगी 34 इंच पे। 1 इंच हमारा मार्जिन का रहने वाला है, तो मैंने इसको 34 इंचज़ पे मार्क कर दिया है। ऊपर से इसमें 5 इंच की बेल्ट भी ऐड होगी, तो उससे इसकी लेंथ हमारी आने वाली है इस तरीके से। हमारी रेडी लेंथ आ जाएगी 38 इंचज़। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है तिरछा सा मिलाते हुए बिल्कुल। और इसके बाद इंची टेप को मैं रखूँ तो जो थोड़ा थोड़ा सा बीच से हमारा इस तरह से निकला हुआ है, तो ये निकला हुआ से मैंने मार्क किया है। आप चाहो तो सीधा मार्क भी कर सकते हो, तब भी आपकी सलवार वैसे ही बनकर रेडी होगी। तो यहाँ तक के हमारे 4 फोल्ड है, तो जहाँ तक के हमारा 4 फोल्ड आ रहा है वहीं तक के मैं इसको मार्क कर दूँगी। बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया। अब जहाँ जहाँ पर मार्क किया है वहीं वहीं से मैं इसको कट कर लूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। तो लेंथ का आपको खास ध्यान देना है, बेल्ट का बचाते हुए लेंथ आपको रखनी है, जैसे कि हमारी नॉर्मल सलवार होती है उसी के साइज़ की आपको इसको रखना है इधर की साइड से, और इधर से ऊपर से निकला हुआ रखना है, जितनी भी हमारी आ रही है सब रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं क्रोच एरिया को मार्क करूँगी 5 इंच का ऊपर निकालते हुए, इस तरह से क्रोच एरिया को मार्क कर लूँगी मैं 15 इंचज़ पर। तो 15 इंचज़ पर मैंने मार्क किया। इसके बाद 2 इंच का मैं इसको अंदर की साइड पे लूँगी, इस तरह से 2 इंच की मैं इसको गहराई दे दूँगी अंदर को इस तरीके से, और ऊपर से भी 2 इंच की अंदर की साइड पे गहराई दे दूँगी। इसके बाद स्ट्रेट लाइन कर दूँगी और इसके बाद मैं इसको हल्की सी नीचे से कर्व शेप दे दूँगी। तो मैंने इसको कर्व शेप दे दी है। अब जहाँ पर मैंने इसको मार्क किया है वहीं वहीं से मैं इसको कट कर दूँगी। सो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारी ऊपर वाली साइड है, तो मैं ऊपर वाली साइड पर आ जाती हूँ। अब सो यहाँ से देख सकते हैं मैं ऊपर वाली साइड पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉर्नर पे 2 इंच का मार्क करूँगी इस तरह से। 2 इंच का मार्क करने के बाद मैं इसको कट कर दूँगी इस मार्क से। सो यहाँ से मैंने इसको कर दिया है कट। ये हमारी रहने वाली है ऊपर वाली साइड, यहीं से मैं इसमें प्लेट ऐड करना स्टार्ट करूँगी। तो देख सकते हैं ऊपर वाली साइड मैंने इसको 2 इंच का कट कर दिया, ये हमारा क्रोच एरिया, और नीचे से हमारी मोरी रहने वाली है। अब मैं इसमें से अपना एक पार्ट अलग निकाल लूँगी, एक पार्ट को मैं रेडी करना बताऊँगी आपको, और एक पार्ट को मैं ऑलरेडी रेडी करके दिखाने वाली हूँ। सो जहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्क किया इसको सीधी साइड अंदर करते हुए मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। तो मैंने इसको स्टिच लगा ली है, सीधा हमारा अंदर है। अब मैं इसको सीधी साइड से ओपन करके इस तरह से बिछा लूँगी। सो ये हमारा क्रोच है, इधर से आप देख सकते हैं, और इधर की साइड पर हमारा दूसरा क्रोच रहने वाला है। यहाँ पर बीच में मैंने इसको स्टिच लगाई है, ये वाला एरिया देख सकते हैं बीच वाला, और ये दूसरा क्रोच। अब इसके बाद जहाँ पे मैंने बीच में इसको स्टिच लगाई है इसी की साइड से आपको इसको रखना है। यहाँ पे 4 इंच की प्लेट ऐड करूँगी, बिल्कुल जो स्टिच लगाई थी मैंने बीच में उसी पे मिलाते हुए रख दूँगी इसको मैं। और यहाँ पे इसको मैं रखूँगी 1 इंच के स्पेस से, तो 1 इंच का स्पेस इसमें दूँगी मैं, और 4 इंच की प्लेट में इसमें ऐड करते जाऊँगी। तो प्लेट से आपको इंची टेप को मिलाते हुए रखना है, 4 इंच से फैब्रिक को उठा के इस तरह से 1 इंच का स्पेस देते हुए रख देना है इसको। तो बहुत ही इजी है, इस तरह से बिल्कुल सेम साइज़ की प्लेट इसमें आने वाली है, छोटा बड़ा नहीं पड़ेंगे। तो आपको इसको इस तरह से ही प्लेट ऐड करना है। तो 4 इंचज़ की प्लेट ऐड करनी है और इसमें 1 इंचज़ के स्पेस से इनको रखना है इस तरह से, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तो सेम आपकी सलवार बनकर रेडी होगी और बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली बनकर रेडी होगी। तो
इस तरह से जो हमारी लास्ट वाली प्लेट होगी उसको आप थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं एडजस्ट करके, और इधर से मैं थोड़ा फैब्रिक बचा दूंगी, इधर से हमारा हाफ इंच मार्जिन 1 इंच मार्जिन में भी जाएगा। तो ये हमारा 11 इंच पा रहा है, 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद सेम इधर से भी इसी तरह से मैं प्लेट इसको ऐड करूँगी। सो हमारी यहाँ पे जो बेल्ट रहने वाली है इसमें रहने वाली है 20 इंचेस, तो ये हमारा आएगा 22 इंचेस, क्योंकि दोनों साइडों से हमारा जो है 1 1 इंचेस का मार्जिन में भी जाएगा, तो मैं इसको 22 इंच पे ही करने वाली हूँ। तो इस तरह से इधर की साइड की प्लेटों को भी मैं सेम इसी तरह से 4 4 इंचेस के स्पेस से और 1 1 इंचेस के इस तरह से रखते हुए जाऊँगी 1 1 इंचेस पे। तो सेम इधर से भी मैंने इतना ही फैब्रिक यहाँ पर बचा लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद इधर से भी हमारा 11 इंच की इसकी जो विड्थ है वो आ रही है, 1 इंच का मार्जिन में जाएगा। तो दोनों को दिखाऊं तो मैं मिला करके 22 इंचेस 1 1 इंचेस का दोनों साइडों से मार्जिन में जाएगा, तो रेडी रहने वाला है 20 इंचेस पे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ले लिया है मैंने यहाँ पे स्टेपलर, तो स्टेपलर की हेल्प से मैं इसको इस तरह से ऐड कर दूँगी अच्छे से। तो इस तरह से हमें जो है जब भी हम मशीन के पास इसको उठा करके ले जाएंगे तो हमें दोबारा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम इसी तरह से उठा के ले जाएंगे और सेम इसी के ऊपर को नॉर्मली स्टिच लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे इसमें से ये जो पिन है ऐड किए हैं इनको मैं रिमूव कर दूँगी स्टिच लगाने के बाद। तो बहुत ही ईजी बना सकते हैं इस तरह से, और जो प्लेट है वो भी बहुत ही परफेक्ट इसमें पड़ जाती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सभी को इस तरह से अच्छे से ऐड कर दिए हैं पिन, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं इसको स्टिच लगाऊंगी इसी तरह से उठा के ले जाऊंगी, मुझे दोबारा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच लगा ली है, और स्टिच लगाने के बाद देख सकते हैं बीच वाला एरिया, और मैंने इसमें से पिन जो है रिमूव कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बीच वाली हमारी जो स्टिच है ये इस तरह से आ जाएगी। तो बहुत ही अलग हटके धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सेम इसी तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है, इसको मैं इसके ऊपर उल्टा करके रख लूँगी और जो दूसरे वाला पार्ट है उसको सीधा करके मैंने रख लिया है। तो एक साइड के क्रोच को मैं स्टिच लगा दूँगी यहाँ पे 1 1 इंचेस की स्टिच लगाऊँगी। सो यहाँ से मैंने इसको एक साइड के क्रोच से स्टिच लगा दी है, कोई सी भी साइड से लगा सकते हैं इसमें स्टिच। इसके बाद यहाँ पे मैंने बेल्ट ले ली है, सो बेल्ट की जो विड्थ ली है मैंने वो ली है यहाँ पे 21 इंच, क्योंकि इधर से हमारा मार्जिन में चला गया सलवार का, और जो हमारी बेल्ट है एक साइड से जॉइंट है तो एक साइड से ही मार्जिन का जाएगा, तो मैंने 1 इंच कम लिया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंच, 1 इंच नीचे से मार्जिन में जाएगा और 2 इंच ऊपर से, तो 5 इंच हो जाएगी रेडी लेंथ बेल्ट की हमारी। इसके बाद मैंने सलवार को इस तरह से ओपन करके बिछा लिया है सीधा करके, और बेल्ट इसके ऊपर मैं उल्टा रख लूँगी, दोनों का सीधा फेस अंदर की साइड पर रखने वाली हूँ मैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्टिच लगाते हुए सलवार में जॉइंट कर दूँगी बेल्ट को, मैंने सलवार में इस तरह से जॉइंट कर दिया है। इसके बाद मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और इधर की साइड के क्रोच को भी स्टिच लगा लूँगी। तो बेल्ट के दोनों जोड़ को इस तरह से मिलाना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने देना है इसकी फिनिशिंग, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। पूरे क्रोच को मैं इसको स्टिच लगा दूँगी इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से। सो यहाँ पर मैंने क्रोच को इस तरह से स्टिच लगा दी है, दोनों क्रोच एरिया हमारे बन गए हैं। इसके बाद बेल्ट को 2 2 इंचेस का ऊपर से फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी जिसमें कि वो मैं इलास्टिक ऐड कर सकूँ, और इसके बाद इस हाफ हाफ इंचेस की स्टिचिंग ऊपर में भी लगाऊंगी, इससे जो है इलास्टिक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आने वाली है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको होल बचाया है, इसमें से मैं इसको इलास्टिक ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले सकते हैं, तो मैंने इलास्टिक ले ली है। इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं इसको इसमें ईजीली ऐड कर दूँगी। सो इलास्टिक को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए स्टिच लगा लूँगी पक्का करते हुए। सो मैंने स्टिचिंग लगा ली है, इसके बाद इसको अंदर की साइड पे अच्छे से कर दूँगी, और जो ओपन साइड है यहाँ से बंद करने के बाद बीच बीच में भी मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी। सो मैंने इसको स्टिच लगा ली है, जो ओपन था उसको भी स्टिच के बाद, इसके बाद बीच में स्टिच लगा ली है। इसके बाद नीचे की मोरी को रेडी करूँगी, तो नीचे की मोरी को सिंपली मैं इसको इस तरह से पहले सिंगल फोल्ड इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए 1 स्टेप में ही इसको कंप्लीट कर दूँगी। मैं स्टिच लगा दी है मैंने इस तरह से, सेम इसी तरीके से दूसरी मोरी को मैंने रेडी कर लिया है फोल्ड करके। अब फाइनल स्टिच लगा देती हूँ मैं इसको बंद वाली स्टिचिंग, इसके बाद हमारी जो सलवार है वो रेडी होने वाली है बिल्कुल। तो मोरी हमारी रहने वाली है 6 इंच की, तो मैं इसको 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो अपने हिसाब से, तो मैं 6 इंच की इसको रखने वाली हूँ। मैंने इसको 6 इंच पे मार्क किया, और यहीं से मैं इसको स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से दोनों के क्रोच से क्रोच मिला लूँगी बिल्कुल, और इधर से भी मैं दूसरे वाली मोरी को भी इसी तरह से 6 इंच पे मार्क कर दूँगी, और यहीं तक के मैं इसको स्टिच कर दूँगी। तो पूरे को मैं इसको बंद कर देती हूँ, और इसके बाद दिखाती हूँ मैं सलवार का फाइनल लुक आपको।
सो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमारी जो है धोती सलवार बन करके रेडी हो गई है, हमारी मोरी हो गई है। और इसके बाद पूरा लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही घेर वाली, बहुत ही इजीली मैंने बनाई है सलवार। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।